क्या है? हाँ, प्रार्थना कर दिया, ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या हो रहा है? ब्लड देना पड़ता है। ब्लड देना पड़ता है हर महीने? ब्लड देना पड़ता है नौ महीने से उसको ब्लड दे रहा है और अभी भी ब्लड देना पड़ता है। आप चाहता है कि ये इसको अभी 26 तारीख को और जाना है? हर महीना। तो आप क्या चाहता है कि ये अच्छा हो जाना चाहता है? ब्लड नहीं देने से भी ये अच्छा होकर बड़ा हो जाएगा और पढ़ने से। ओके, इधर आइए, इधर आइए। आप प्रभु को विश्वास करता है? डिसीजन लीजिए, होगा। जो भी गलती भूल त्रुटि हुआ है क्षमा हो, क्षमा मांगिए। हाँ, और चर्च चर्च आते रहे। आपका हस्बैंड कहाँ है? डिब्रूगढ़ में है, हम लोग डिब्रूगढ़ में रहते हैं। आप लोग डिब्रूगढ़ से आया क्या? पास आने के लिए मैं आई हूँ। डिब्रूगढ़ से आया? ओके। 26 तारीख को जाना पड़ता, हर महीना 26 तारीख को जाना। हमारा चर्च में जब हम मिनिस्ट्री शुरू कर रहा था, हमारा बहुत लोग था ऐसे जो ब्लड देना पड़ता था। तो अभी उन लोग ठीक होकर के ब्लड देना नहीं पड़ता है। आप विश्वास कीजिए, इतना दूर से आप जर्नी करके आया है, आपका बच्चा को हम पूरा पूरे आज डिलीवर करता है। और इस बार 26 तारीख को जब आप अस्पताल जाएगा ब्लड देने के लिए, आप चमत्कार देखेगा। एक बार हम लोग सब मिलके घोषणा करते, हाथ बढ़ाते, 26 इसको ब्लड कैंसिल, आज के बाद ब्लड। क्या है? चिकल थैल बिसामालिया। कितना खतरनाक नाम है बीमारी का भी, लेकिन उससे भी खतरनाक एक नाम है, जो नाम है यीशु नाम। आमीन। हर बीमारी उस नाम से डरता है। यीशु के नाम से इसको मैं कैंसिल करता हूँ आज। यीशु मसीह के नाम से इस बेटा का ब्लड देने वाला कैंसिल करता हूँ। जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी बोला है, I rebuke in Jesus name and be healed in Jesus name, be healed in Jesus name, be healed in Jesus name. Brokhan de manzele karade, reshe kala brande, reka balala sukote, reka balara de. I command. Fill with the blood in Jesus name. Fill with the blood. खून से भर जाए, कोई कमी ना हो खून का, कोई भी कमी ना हो। आज से और अभी से उसके हर नर्व सिस्टम काम करने लग जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। I deliver right now in Jesus name, in Jesus name. Okay, now listen. इसीलिए हम शुरू में बोल रहा था बच्चा लोग के लिए बहुत कंपैशन आ रहा है, बोल रहा था कि नहीं बोल। उसका माँ को समझ में आता है ये दर्द क्या है। मन आज से आप फ्री है बहन, आपका आशा परमेश्वर ने डिब्रूगढ़ से। कैसे सुना आपने हमारे बारे में? मेरा अभी अभी मत घबराइए, मत घबराइए, परमेश्वर ने आपका बेटी को छू लिया है। ओके, मुझे दीजिए एक बार इसको माइक को बोलो। बच्चा इधर, मैं इस बच्चा का बीमारी को ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, एक बार हाथ उठाइए सब लोग। यीशु मसीह के नाम से वन हंड्रेड परसेंट हील लॉर्ड। थैंक यू फादर। I take all the diseases in the name of Jesus and I free Lord. मैं इसको free करता हूँ प्रभु। आज के बाद इसके महान नहीं रहेगा, इसका परिवार दुख नहीं उठाएगा परमेश्वर, क्योंकि 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस में तूने सारे दुखों को, सारे बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। Thank you my Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. यीशु के नाम में ये बहुत तंदुरुस्त बड़ा होगा, ज्ञानी बच्चा बनेगा, प्रभु का काम करेगा, उसको उसको कोई भी मृत्यु का आत्मा नहीं छू सकेगा। यीशु मसीह के नाम से वो स्वस्थ बड़ा होगा, स्वस्थ बड़ा होगा, स्वस्थ बड़ा होगा। याद रखना हमने क्या बोला है सिस्टर, वो बड़ा होगा और अच्छा से बड़ा होगा। ठीक है, आज से वो फ्री है।
आज से वो फ्री है, ठीक है? ओके ओके, लो ले जाओ। ओके बाय बाय बच्चा, किचु नहीं हो बे, ठीक हो गए लग। रोना नहीं, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। और किसके लिए प्रार्थना करो? आइए इधर लेके। देखिए ये बच्चा पिछले बार बहुत तकलीफ में था, आज थोड़ा ठीक है। बहन आज के बाद रोना नहीं, प्रभु को धन्यवाद देना। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 इनको लिखा दीजिए, कोई लिख के मत देखा। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 5 वर्स 7 कोई पढ़ दीजिए। पांव से लेके सिर तक सारी बीमारी चंगाई हो चुका है, धन्यवाद यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट जीसस, आमेन। पैसा है? पैसा लाया तुमने? ट्रेजरर किधर है? पैसा है आपके पास? 1000 रुपीस? हाँ 500 दीजिए। परमेश्वर बोल रहा है ना, इसको एक नया कपड़ा पहनाना, इसका नया कपड़ा पहनाना, लीजिए ठीक है? चर्च की तरफ से, चर्च की तरफ से। और वो अभी ठीक होते जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, होगा ओके। प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे प्यारे बच्चों के लिए, उनका जीवन जितने जो भी आशाएं लेके आया है प्रभु जी, उस आशा के मुताबिक उनके जीवन ब्लेस हो। सारी दुष्ट आत्माएं, गंदी सोच विचार, सारे तकलीफ निकल के चले जाए, सारी अशुद्ध आत्माएं और रुकावटें लाने वाला, धन संपत्ति में, परिवार में लड़ाई झगड़ा लाने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला, और हमारे विश्वासियों का नौकरी जॉब को चुराने वाला, बिजनेस को चुराने वाला, कमी घटी लाने वाला, बुरे बुरे सपनों से डराने वाला, नाना प्रकार की बातों से डराने वाला, यीशु मसीह नासरत के नाम से मैं नाश करता हूं सारे आत्माओं को। रेखा बांधेले मोखो राजेटे, मैं स्वर्गदूत को हर एक विश्वासी के घर में उनका तैनात कराता हूं, काम के लिए खटाता हूं, ताकि उनका सुरक्षा तैनात हो, यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से। रेखा बांधे मोनजाला खरा दे रे फोंगाला खरा दे रे सेठे। थैंक यू माय फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ये क्या था? ये बच्चा का माँ, ये आप, आपका हस्बैंड है ना? क्या काम करता है? पुलिस में है। इधर आइए, इसलिए हम आपको कुछ बात बताना है। वो प्रभु को विश्वास करता है? चर्च में जा नहीं सकने से भी उसको बोलना, हम बोल रहे हैं, बोलना परमेश्वर बोल रहा है, हम नहीं, गुस्सा कम करने के लिए। हाँ हम, हमको दिखाई दे रहा है। वो आदमी को जहां तहां मार देता है, वो आदमी का बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो आदमी को पिटाई कर देता है, आदमी को, बेगुनाह लोगों को ना। वो देखो जो भी हम लोगों का बच्चा लोग पुलिस बनेगा, आर्मी बनेगा, जो भी ऑफिस में काम करेगा, अगर आप लोग गद्दारी करेगा गवर्नमेंट के साथ, अगर आप लोग गद्दारी करेगा लोगों के साथ, जानबूझ के आप लोग न्याय नहीं करेगा, समझ के न्याय नहीं करेगा, आप लोग का लाइफ खराब हो जाएगा। चाहे पुलिस बनो, अगर वो क्रिश्चियन, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो क्रिश्चियन होते हुए सही का साथ नहीं देगा, उनका उनका फैमिली खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उनको बोलना मीट कम खाने के लिए। क्या कम खाने के लिए? मीट। सागोली मांस कम खाओ बोलो। गावड़ी खाए तो कम खा बोले दियो, तार गुस्सा कम करिबो दियो। और ये बच्चा 26 को आप लोग जब जाएगा ना, आप नया रिपोर्ट देखेगा, होगा? उसका पापा को बोलना ईमानदार बनिए बोलते हैं, ठीक है ना? आपको आइबो, अपना हस्बैंड लोग लोहे आइबो, ओके? अपना हस्बैंड के लिए भी हम प्रार्थना करेगा, और उसको बताना हम एक्सीडेंट वगैरह वगैरह देख रहा है, ठीक है? ध्यान से गाड़ी चलाना, प्रेशर है उसको। गाड़ी नसोलाए। किस लाए? गाड़ी तो नसोलाए। किसी का गाड़ी में जाएगा? गाड़ी ऐसे घोड़ा गाड़ी लड़ाए। तो वही तो बोल रहा है।
तो वो खुद नहीं चलाता है? नहीं, बेटा चलाता है। आपका बेटा भी है? ओके, कितना क्लास में पढ़ता है बेटा? डिग्री कंप्लीट किया। ओके, सो आपका हस्बैंड को बोलना लेके आना, नेक्स्ट दिसंबर में आना, इसका रिपोर्ट लेके आना, ठीक है? कैंसिल सब कुछ। कम मीट कम खाने के लिए बोला है परमेश्वर ने, गुस्सा कम करने के लिए बोला है, और एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो उससे बचने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलना, नहीं तो आप जाके हमको फोन में बात कराना होगा।